कोई है। हृदय एक न्यू और राइजिंग यूट्यूबर था। वो अपनी डेली एक्टिविटीज और जोक्स की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालता था। उसके हाल ही में 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे और उसे यूट्यूब से सिल्वर बटन भी मिला था। हृदय ने अपने सब्सक्राइबर्स से प्रॉमिस किया था कि सिल्वर बटन मिल जाने पर वो एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेगा, जिसके अंदर हृदय रात 12 बजे के बाद एक कब्रिस्तान के अंदर अकेला जाएगा और अपने पूरे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करेगा। सिल्वर बटन आने के अगले दिन ही हृदय ने अपना वादा निभाया। हृदय रात के करीबन 1:30 बजे एक कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने अपने सर पर एक कैमरा माउंट किया ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। हृदय सुपर नेचुरल चीजों में यानी भूत प्रेत चुड़ैलों में विश्वास नहीं करता था, पर जब उस रात वो कब्रिस्तान पहुंचा तो उसका दिल हल्का हल्का घबरा रहा था। देर रात में उस कब्रिस्तान में एकदम सन्नाटा था। बस वहां जो तेज हवा चल रही थी उसमें पेड़ पत्तों के हिलने और रात में भटकते झिंगुरों की आवाज आ रही थी। दूर दूर तक वहां कोई भी इंसान नहीं था। हृदय वहीं पर एक पेड़ के किनारे एक कब्र पर बैठ गया और उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए हृदय ने आसपास की चीजें देख उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिर वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो उसके सभी व्यूअर्स देखने वाले थे और उनको एंटरटेन करने के लिए वो उस कब्रिस्तान और वहां की कब्रों के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहा था। करीबन 15 मिनट उस कब्रिस्तान में घूमने के बाद ही हृदय बहुत बुरी तरह थक गया। उसके लिए एक और कदम भी रखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हृदय चुपचाप वापस अपने घर चला गया और उस रात वो अपने घर पहुंचते ही सो गया। सुबह उठने पर हृदय की पीठ और गर्दन में एक अजीब सा दर्द हो रहा था, ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने सोचा कि शायद रात को अटपटी करवट में सोने की वजह से उसकी गर्दन अकड़ गई है, लेकिन हृदय ने अपने दर्द पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी वीडियो एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करनी थी और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी थी। हृदय बेड से उठकर सीधा अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठ गया और कैमरे की फुटेज को लैपटॉप में प्ले करने पर उसे दिखा कि कैमरे की सारी फुटेज बेकार है और उसके यूज करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आधे कैमरे का व्यू किसी चीज से ढका हुआ था। हृदय को लगा कि शायद धूल या फिर कोई कीड़ा कैमरा पर बैठ गया होगा। वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि ये वीडियो उसके चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो चेयर से उठने की कोशिश करने लगा वो उठ ही नहीं पाया। उसने अपनी गर्दन मोड़ने की कोशिश की पर वो अपनी गर्दन भी नहीं मोड़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस चेयर से चिपक गया हो। बहुत कोशिश कर लड़खड़ाती टांगों के साथ हृदय चेयर से उठा और उसने अपने फैमिली डॉक्टर को तुरंत फोन किया। उसके बाद डॉक्टर ने उसके घर आकर उसे चेक किया और उन्होंने हृदय को एक्सरे करवाने की सलाह दी। हृदय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसके शरीर में ऐसी प्रॉब्लम कहां से आ गई। अगले दिन एक्सरे की रिपोर्ट्स आईं और डॉक्टर ने उसे उसकी स्पाइन में हुई बेंडिंग को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि स्पाइन की बेंडिंग अक्सर जरूरत से ज्यादा वेट लिफ्टिंग की वजह से हो जाती है, पर हृदय ना तो वेट लिफ्टिंग करता था ना ही उसने अपने छोटे से कैमरे के अलावा कोई सामान उठाया था। उसे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर दी, उससे उसका पेन तो कम हो गया था पर चल पाना उसके लिए अभी भी मुश्किल ही था। हृदय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात पेन किलर खाकर हृदय फिर से लैपटॉप के सामने बैठा उसी कब्रिस्तान की फुटेज को देख रहा था। उसने पहले वो फुटेज पूरी नहीं देखी थी और अब वो उम्मीद कर रहा था कि उसको फुटेज का कोई क्लीन पार्ट मिल जाए जिसकी वो वीडियो बनाकर अपने व्यूअर्स के लिए अपलोड कर सके।
पर वीडियो के एंड में हृदय को कुछ ऐसा दिखा जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जब वीडियो के एंड में हृदय कैमरा सर के ऊपर से उतार रहा था तो कैमरे के ठीक ऊपर जमे हुए खून से नीला पड़ा हाथ था। इसका मतलब जो चीज पूरी फुटेज में कैमरे को ढक रही थी वो एक हाथ था। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी फुटेज में सिर्फ हृदय की सांस लेने की आवाज नहीं बल्कि किसी और की भी सांसें लेने की आवाजें थीं। मानो हृदय के कंधों के पास कोई सांस ले रहा हो। हृदय ने पूरी वीडियो अब स्लो मोशन में देखने की भी कोशिश की। उसने नोटिस किया कि उसके कैमरे में सिर्फ हाथ नहीं बल्कि काले बाल भी आ गए थे। हृदय जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा सहम गया। जैसे ही वीडियो खत्म हुई हृदय को महसूस हुआ कि उसके कंधों के पास कोई जोर जोर से सांसें ले रहा है। हृदय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डरते डरते अपने फोन का फ्रंट कैमरा खोला और वहां जो उसे दिखा उससे उसकी दिल की धड़कनें थम गईं। हृदय के कंधों से नीचे दो टांगे लटक रही थीं और हृदय के कंधों पर उसकी गर्दन पकड़े कोई बैठा हुआ था। हृदय ने कैमरे को थोड़ा और ऊंचा किया और उसे दिखा कि उसके सर पर एक छोटी लड़की बैठी हुई थी और उसका शरीर बिल्कुल एक लाश की तरह लग रहा था। उसका चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। ये देखते ही हृदय जोर से चीखा और उसे अचानक से अपनी पीठ में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वो अपने कंधों को जोर से झटकने लगा कि तभी उसकी गर्दन को उस छोटी सी लड़की ने कस के पकड़ लिया। धीरे धीरे उसके हाथ की ग्रिप टाइट होने लगी। वो लड़की हृदय का गला घोट रही थी। हृदय के मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। हृदय ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर कुछ ही पलों में हृदय का चेहरा उस छोटी लड़की के हाथ की तरह नीला पड़ गया और उसकी दम घुटने के कारण मौत हो गई। कुछ घंटों में जब हृदय की मां वहां आई तो हृदय की रीढ़ की हड्डी उसके शरीर से बाहर आ रही थी और उसका गला बुरी तरह मुड़ा हुआ था। अपने बेटे की हालत देख वो चीख उठी लेकिन तभी हृदय की मां को भी अपनी पीठ पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। भूतों पर विश्वास करना या ना करना एक पर्सनल चॉइस है पर उनके साथ मजाक करना जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।